Hello friends, again welcome back. Today we will going to talk about color and its theories. So आज के इस सेशन में हम कलर को कवर करेंगे और जानेंगे कि इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के और जान लेते हैं कि कलर किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है मानव जीवन में और इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं. ठीक है, मनशील ने कौन से सिद्धांत दिए हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, ठीक है, और प्रांग ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत रंग के कितने प्रकार बताएं, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, होम साइंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से क्वेश्चन लगभग एवरी एग्जाम में 2-4 बन ही जाते हैं. ठीक है, तो मानव जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है. सबसे पहले जान लेते हैं कि रंग क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है. तो मानव जीवन में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है. रंग जीवन में उल्लास, ठीक है, रंग जीवन में उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता, खुशी एवं आनंद लाते हैं. ठीक है, फूहड़ चीज़ों को अर्थात गंदी से गंदी चीज़ों को भी सुंदर बना देते हैं. यह किसी भी वस्तु की सुंदरता, अलौकिकता एवं आकर्षण में 4 चांद लगाते हैं. रंगों में इतनी क्षमता होती है कि वह किसी भी वस्तु में प्राण फूंक कर उन्हें सुंदर सजीव बना देते हैं. जरा सोचें, अगर रंग ही नहीं होता तो मानव जीवन कितना नीरस, उदास, दुखी एवं निराश होता. ठीक है, ये रंग का महत्व था. मानव जीवन में रंगों का क्या महत्व है, तो मानव जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है. ठीक है, अगर मानव जीवन में अगर रंग नहीं होते, प्रकृति में अगर रंग नहीं होते, तो सारी चीज़ें नीरस दिखाई देती. ठीक है, उबाऊ दिखाई देती. तो अब जान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलर्स, रंगों के सिद्धांत. तो रंगों के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से रंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है. अर्थात विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने अपने सिद्धांत दिए हैं. ठीक है, अतः रंगों के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, इनको हम देख सकते हैं. जैसे पहला है भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत. पहला क्या है, तो भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत. भौतिक शास्त्र के अनुसार रंगों का प्रमुख स्रोत प्रकाश होता है. भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि रंगों का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो प्रकाश होता है. प्रकाश में 7 रंग होते हैं. प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल. ये 7 रंग कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रकाश में पाए जाते हैं. और भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि प्रकाश ही रंग का प्रमुख स्रोत होता है. ठीक है, अतः जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, तो प्रकाश की तरंगें भिन्न भिन्न गति से, ठीक है, भिन्न भिन्न गति से चलकर आँखों के रेटिना पर पहुँचते हैं. ठीक है, और प्रकाश के कुछ रंगों को, ठीक है, आँखें क्या करती हैं, परावर्तित कर देती हैं तथा कुछ रंगों को शोषित कर लेती हैं. जिन रंगों को आँखें परावर्तित कर देती हैं, वह रंग हमें क्या होता है, वो हमें दिखाई देता है. आँखें जिन रंगों को परावर्तित कर देती हैं, वो रंग हमें दिखाई देता है. ये भौतिक शास्त्रियों का मानना है. और जब नेत्रों के द्वारा समस्त रंगों को शोषित कर लिया जाता है, तो क्या दिखाई देता है, काला रंग दिखाई देता है. जैसे जब रंग आँखों के द्वारा, जब सारे रंगों को आँखों के द्वारा परावर्तित न करके शोषित कर लिया जाता है, तो उस समय हमें काला रंग दिखाई देता है. इस दृष्टि से काला कोई रंग न होकर सब रंगों की अनुपस्थिति है. काला कोई रंग न होकर, भौतिक शास्त्रियों के अनुसार काला कोई रंग नहीं होता है, वह सारे रंगों की अनुपस्थिति होता है. अर्थात जब हम सारे रंगों को हमारी आंखें, हमारी रेटिना अवशोषित कर लेती है, तो हमें अंधेरा दिखाई देने लगता है, अर्थात काला दिखाने लगता है. इस तरह सफ़ेद रंग दिखना प्रकाश का परावर्तन माना जाता है. भौतिक शास्त्रियों के अनुसार सफ़ेद रंग का दिखना प्रकाश का परावर्तन माना जाता है. अर्थात आँखों ने
प्रकाश लहरों को अवशोषित नहीं किया, समान रूप से सबको परिवर्तित कर दिया, अर्थात आंखें एक भी प्रकाश लहर को अवशोषित नहीं किए, सबको परावर्तित कर देती हैं। और जब ऐसा होता है तो हमें सफ़ेद कलर अर्थात वाइट कलर दिखाई देता है, ठीक है। अतः प्रकाश के समस्त रंगों के संयोजन से सफ़ेद रंग बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लेते हैं, इनके अनुसार, भौतिक शास्त्रियों के अनुसार रंगों के तीन भेद होते हैं। रंगों के कितने भेद होते हैं? तो रंगों के तीन भेद होते हैं। पहला है प्राथमिक रंग, ठीक है, दूसरा है द्वितीयक रंग, तीसरा है पूरक रंग, ठीक है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? भौतिक शास्त्रियों के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है, ठीक है। द्वितीयक रंग पीला, मजेंटा एवं मयूर होता है, ठीक है। अर्थात द्वितीयक रंग इन लाल, हरा और नीला के मिलने से बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर रेड है, ठीक है, और ये ब्लू है और ये ग्रीन है, ये त्रिकोण बना है, ठीक है। इस पे आप लोग यहाँ पे ब्लू को देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन को देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू है और ऊपर रेड है, ठीक है। इन तीनों के मिलने से पीला, मजेंटा, ठीक है, एवं मयूर बनता है, ठीक है। अब पूरक रंग कौन से होते हैं? तो पूरक रंग भौतिक शास्त्र के अनुसार रंग चक्र के आमने सामने, यानी कि ऐसे और ऐसे करके जो आमने सामने पड़ते हैं रंग, उनको पूरक रंग कहा जाता है। जैसे पीला और नीला, हरा व मजेंटा, लाल व मयूर नीला, ठीक है। अब देख लेते हैं रंग कणीय सिद्धांत या रासायनिक सिद्धांत। इसको रंग कणीय सिद्धांत भी कहा जाता है और रासायनिक सिद्धांत भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसमें पिगमेंट कलर थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारे नाम पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार लाल, इस सिद्धांत के अनुसार ये दूसरा सिद्धांत है। पहला क्या था? तो पहला भौतिक शास्त्रीय था, दूसरा है रंग कणीय सिद्धांत, रंग कणीय सिद्धांत। अब देख लेते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार लाल, पीला व नीला, लाल, पीला व नीला क्या है? प्राथमिक रंग हैं। इसके अनुसार रंग कणीय सिद्धांत या रासायनिक सिद्धांत के अनुसार लाल, पीला व नीला प्राथमिक रंग माने जाते हैं, ठीक है। तथा दो प्राथमिक रंगों के मिलने से, जब दो प्राथमिक रंग मिलते हैं तो द्वितीयक रंग बनते हैं, ठीक है। तो उनसे जो रंग बनते हैं उनको द्वितीयक रंग कहा जाता है, या उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। एक प्राथमिक रंग, ठीक है, और तृतीयक रंग कैसे बनते हैं? तो जब एक प्राथमिक रंग मिलता है और एक निकटतम उसके आसपास का द्वितीयक रंग जब मिलता है तो मध्यवर्ती रंग बनते हैं। तृतीयक रंग ना बनके क्या बनते हैं? मध्यवर्ती रंग बनते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पहले प्राथमिक रंग था, उसके बाद द्वितीयक था, उसके बाद मध्यवर्ती रंग, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार चार रंग प्राथमिक होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रंग प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो चार होते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है पीला, हरा, नीला और लाल, ठीक है। पीला, हरा, नीला व लाल, ये कैसे हैं? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ये चार रंग प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक माने जाते हैं। इन प्राथमिक रंगों के मिलने से, अर्थात जब ये आपस में मिलते हैं तो ये द्वितीयक रंग बनाते हैं, ठीक है। ये जब आपस में मिलते हैं तो ये द्वितीयक रंग बनाते हैं, जब ये सब क्या है? द्वितीयक रंग है, तो द्वितीयक रंग बनाते हैं। और यह पूरक रंग कहे जाते हैं। पूरक रंग
रंग चक्र में पूरक रंग कौन से होते हैं? तो आमने सामने के जो भी रंग होते हैं उन्हें पूरक रंग माना जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में संवेगों के प्रभाव से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारे संवेगों अर्थात भावनाओं से संबंधित होते हैं। अतः इन रंगों का मानव जीवन पर अलग अलग भावात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि मानव जीवन पे रंगों के कौन कौन से भावात्मक प्रभाव पड़ते हैं, कौन सा रंग क्या भावात्मक प्रभाव डालता है। तो लाल रंग प्रफुल्लता, उत्साह, आनंद, उत्तेजना, बड़प्पन आदि प्रभाव डालता है, ये प्रभाव छोड़ता है। अर्थात लाल से हमें किस चीज़ का प्रभास होता है? तो प्रफुल्लता का, उत्साह का, आनंद, उत्तेजना और बड़प्पन आदि का। ठीक है, हरा रंग से क्या आभास होता है? तो हरा रंग से शीतलता, आराम और ताजगी का आभास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नारंगी। नारंगी से हमें आशा, धर्मनिष्ठा, उत्साह और हिम्मत का आभास होता है। पीला रंग है, पीला रंग से हमें क्या आभास होता है? तो हमें उल्लास, आनंद, प्रगति, मेल मिलाप, जिंदा दिली आदि का आभास होता है। ठीक है, नीला से क्या होता है? तो नीला शांति, आराम, शिष्टाचार, भ्रातृत्व, बड़प्पन, शीतलता का आभास कराता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है। अब देख लेते हैं इसी में बैगनी रंग क्या दर्शाता है। तो बैगनी रंग राजसी भाव को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूरा रंग। भूरा रंग विनम्रता को दर्शाता है। काला रंग क्या दर्शाता है? तो काला रंग उदासीपन, शोक और दुख को दर्शाता है। श्वेत रंग क्या दर्शाता है? तो श्वेत रंग पवित्रता, विश्वास, शांति, भोलापन, आत्मसमर्पण आदि को दर्शाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं मनसेल रंग प्रणाली अर्थात मनसेल कलर स्कीम। तो ये कलर स्कीम मनसेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार अर्थात मनसेल के अनुसार रंग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक रंग। पहला क्या होता है? तो पहला प्राथमिक रंग। तो इनके अनुसार, मनसेल के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, पीला, हरा और नीला बैंगनी होता है। ठीक है, इनके अनुसार प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो इनके अनुसार प्राथमिक रंग 5 होते हैं। पहला है लाल, दूसरा पीला, तीसरा हरा, चौथा नीला, पांचवा बैंगनी। ठीक है, अब द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक या मध्यवर्ती रंग, तो द्वितीयक या मध्यवर्ती रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से मध्यवर्ती रंग बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीला और हरा मिला है तो पीला हरा बना है, ये क्या होते हैं? मध्यवर्ती रंग या द्वितीयक रंग कहलाते हैं। हरा नीला, ठीक है, हरा नीला है तो हरा नीला बना है, नीला बैंगनी मिला है तो नीला बैंगनी बना है, बैंगनी लाल मिला है तो बैंगनी लाल बना है, और लाल पीला मिला है तो लाल पीला बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग है लाल है, ठीक है, लाल है, पीला है, हरा है, ठीक है, नीला है और क्या है? बैंगनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंगनी। ठीक है, अब इनके मिलने से ये प्राइमरी कलर हैं। ये क्या है? प्राइमरी कलर हैं। अब इनके मिलने से, ठीक है, यहाँ पे मध्यवर्ती अर्थात द्वितीयक रंग, ये क्या है? ये द्वितीयक रंग है। इसी तरह अब द्वितीयक रंग के मिलने से तृतीयक रंग बनते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो तृतीयक रंग कैसे बनते हैं? तो एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग, जब एक प्राथमिक रंग मिलता है और एक द्वितीयक रंग मिलता है तो तृतीयक रंग बनते हैं। इन रंगों के माध्यम से, इन रंगों में भी
एक ही रंग के अनेक टिंट एवं शेड होते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि टिंट और शेड क्या होता है। तो टिंट क्या होता है, टिंट रंगों का हल्कापन होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे येल्लो का यहाँ पे क्या है, हल्कापन है इसमें। यहाँ पे गाढ़ापन है, यहाँ पे हल्कापन है। तो रंगों का हल्कापन क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है, और रंगों का गाढ़ापन शेड कहलाता है। जब रंगों में वाइट कलर मिलाया जाता है तो रंग क्या होते हैं, हल्के होते जाते हैं, हल्के होते जाते हैं तो उसे टिंट कहा जाता है। और जब रंगों में ब्लैक कलर मिलाया जाता है तो वो रंग गाढ़े हो जाते हैं, अर्थात उन्हें शेड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाल पीला, ठीक है। पहला क्या हुआ है, यहाँ पे एक प्राथमिक रंग मिलाया गया है और दो सेकेंडरी कलर अर्थात द्वितीयक रंग मिलाया गया है। तो यहाँ पे लाल पीला लाल मिला है। और यहाँ पे फिर देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए लाल लाल और बैगनी, तो यहाँ पे देखिए हमको लाल लाल बैगनी मिला है, ठीक है। यहाँ पे लाल हमारा क्या है, प्राथमिक रंग है, और लाल बैगनी क्या है, द्वितीयक है। यहाँ पे फिर पीला क्या है, हमारा प्राथमिक है और ये द्वितीयक है, तो यहाँ पे हमको तृतीयक रंग मिला है। संपूर्ण रंग चक्र में इसी के आधार पे मनसेल के रंग चक्र में, संपूर्ण रंग चक्र में इसी आधार पर तृतीयक श्रेणी के रंग चक्र बनते हैं। परंतु वास्तव में लाल से लेकर अर्थात यहाँ से लेकर लाल से लेकर पीला तक 40 रंग होते हैं। ऐसे ही करके पीला से लेकर नीला तक 40 रंग होते हैं। ऐसे कर करके कुल पूरे रंग चक्र में 200 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, तो पूरे रंग चक्र में 200 होते हैं। अब यहाँ पे पूछ देता है कि मनसेल के रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। तो मनसेल के रंग चक्र में कुल 200 रंग होते हैं। और पूछ देता है कि मनसेल के द्वारा प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो मनसेल के द्वारा प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल पीला हरा नीला और बैंगनी, ये कौन से हैं, तो ये प्राथमिक रंग हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रांग रंग प्रणाली क्या होता है या प्रांग कलर स्कीम क्या होता है। इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कलर के सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।